अभी सोहेल ने फोन किया था, बता रहा था कि घर आ गया वो नमूना। शुक्र है। और असल मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, ऐसे लफ्ज मत चुना करो उसके लिए। अम्मी ने सुन लिया तो फिर बुरा मान जाएंगी। तुम्हारे अंदाज से तो लग रहा है कि तुम्हें भी बुरा लगता है। आई मीन आफ्टर ऑल वो तुम्हारा कजन जो है ना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है असफन कि ऐसा तंज और ऐसा मजाक मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। है वो मेरा कजन, लेकिन मेरे अब्बा के घर में। यहाँ वो सिर्फ तूबा का शौहर और तुम लोगों के घर का दामाद है। मैं उसकी सारी बातें, उसकी सारी हरकतें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती हूँ कि उसके और तूबा के ताल्लुक में कोई बदमजगी पैदा ना हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम प्लीज मुझसे ऐसा मजाक मत करना। यार एक तो तुम ना हर बात पे सीरियस हो जाते, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसकी कोई भी बात बर्दाश्त करने की। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है उसे रख कर सुनाना, एक बार नहीं 100 बार सुनाना। सही कह रहे हो, ताकि अम्मी का दिल मजीद मुझसे खराब हो। रख के सुनाना। सोच रहा हूँ तूबा की तरफ चक्कर लगाएं कुछ दिनों में, और ये भी कोशिश करेंगे कि हम हमारे कजन से बच के रहें। असल आदिल, शौहर हैं आप मेरे, मेरी बेटी के बाप हैं। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, सच में। वो पुलिस स्टेशन का सुन के मैं बहुत परेशान हो गई थी, घबरा गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ये समझ आ रहा था तुम्हें कि पुलिस स्टेशन आना है, ये सोचने की जहमत नहीं की कि क्यों पहुंचा मैं वहां। अदील, आप भले मेरी बात का यकीन मत करें, लेकिन मैं सच कह रही हूँ दिल। रही बात जेवर की, तो किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा। किस्मत से उतरी हुई चीजों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक, तुम मत हो दुखी, मैं दुखी हूं। तुम्हें पता है वसीम की सारी बकवास तुम्हारे बारे में मैंने सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त की कि पैसे नहीं थे, वरना जान निकाल देता उसको। समझ ही नहीं आ रहा, जॉब है नहीं, उधार चढ़े जा रहा है, कैसे उतरेगा। आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। दूध पियोगी बच्ची? ये दिल तन्हा तन्हा।